डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और आजाद भारत के पहले न्याय मंत्री थे। महिला, मजदूर और दलितों पर हो रहे सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने और लड़कर उन्हें न्याय दिलाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सदा आदर से स्मरण किया जाता है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ समानता के प्रतीक कहे जाने वाले महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में स्थापित मऊ ये छोटे से गांव में हुआ। वे रामजी मालोजी सबकाल जो आर्मी कार्यालय के सूबेदार थे और भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वे महार यानी कि दलित जाति से संपर्क रखते थे जो अछूत कहे जाते थे और उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। स्कूली पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद अम्बेडकर और अन्य अस्पृश्य बच्चों को विद्यालय में अलग बिठाया जाता था और अध्यापकों द्वारा न तो ध्यान दिया जाता था न ही उनकी कोई सहायता की जाती थी। उनको कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। सन 1894 में रामजी सबकाल सेवानिवृत्त हो जाने के बाद वे सह परिवार सातारा चले गए और इसके 2 साल बाद अम्बेडकर की माँ की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी चची ने कठिन परिस्थितियों में रखते हुए की। 14 में से रामजी सतपाल के केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराम और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलासा बची थी। अपने भाइयों और बहनों में केवल अम्बेडकर ही स्कूल की परीक्षा में सफल हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। डॉक्टर अम्बेडकर का वास्तविक नाम अम्बा वाडेकर था लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर को उनसे काफी लगाव था, इसलिए उन्हें बाबा साहेब का उपनाम अम्बावाड़ेकर से बदलकर अम्बेडकर रखा। अम्बेडकर एक बहुत होशियार और कुशल विद्यार्थी थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बहुत सारी कानूनी डिग्री प्राप्त कर रखी थी और अलग अलग क्षेत्रों में डॉक्टरेट कर रखा था। उनकी कानून, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र पर अनुसंधान के कारण उन्हें विद्वान की पदवी दी गई थी। सन 1908 में उनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। उन्होंने 1915 में अपना एमए अर्थशास्त्र से किया। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में से पीएचडी हासिल की। सन 1920 में मुकनायक ये अखबार उन्होंने शुरू करके अस्पृश्यों के सामाजिक और राजकीय लड़ाई को शुरुआत की। सन 1921 से लेके 1923 में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। सन 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। दलित समाज में जागृत करना यह इस संगठन का उद्देश्य था। सन 1927 में बहिष्कृत भारत नाम का पाक्षिक शुरू की। ठीक उसी साल में महाड़ यहाँ पर स्वादिष्ट पानी का सत्याग्रह करके यहाँ की झील अस्पृश्यों को पीने के पानी के लिए खुली कर दी। ठीक उसी साल में 25 दिसंबर को जाति व्यवस्था को मान्यता देने वाले मनुस्मृति का उन्होंने दहन किया। सन 1930 में नासिक यहाँ के कालाराम मंदिर में अस्पृश्यों को प्रवेश देने का उन्होंने सत्याग्रह किया। सन 1930 से लेकर 1932 इस समय इंग्लैंड यहाँ हुए गोलमेज परिषद में वो अस्पृश्यों के प्रतिनिधि बनकर उपस्थित रहे। उस जगह उन्होंने अस्पृश्यों के लिए स्वतंत्र मतदार संघ की मांग की। सन 1932 में इंग्लैंड के पंत प्रधान रैम्स मैकडोनाल्ड इन्होंने जातीय निर्णय जाहिर करके अंबेडकर की मांग मान ली। जातीय निर्णय के लिए महात्मा गांधी का विरोध था। स्वतंत्र मतदार संघ की निर्मिति के कारण अस्पृश्य समाज बाकी के हिंदू समाज से दूर रह जाएगा ऐसा उन्हें लगता था। उस कारण जातीय निवड़ा के करतूत के विरोध में गांधी जी ने यरवड़ा पुणे जेल में प्राणांतिक उपोषण आरम्भ किया। उसके अनुसार महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में 25 दिसंबर 1932 को एक करार हुआ। ये करार पुणे करार इस नाम से जाना जाता है। इस करार नामे से
डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मतदान संघ की जीत छोड़ दी और अस्पृश्यों के लिए कंपनी लॉ में आरक्षित सीटें होनी चाहिए ऐसा माना गया। डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में अध्यापक के रूप में चुना गया। वे वहां 2 साल तक प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत भी रह चुके थे। सन 1935 में रमाबाई का देहांत हो गया और वो बिखर से गए। सन 1936 में सामाजिक सुधारणा के लिए राजकीय आधार होना चाहिए इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्थापन की। सन 1941 से लेकर 1943 के साल में उन्होंने बहुत से किताबें लिखी। हू वेयर शूज राज, द अनटचेबल्स, बुद्धा एंड स्तंभ, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान ये अलग देश बनाने पर जमकर विरोध किया था। सन 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इस नाम के पक्ष की स्थापना की। सन 1942 से 1946 इस वक्त में उन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारी मंडल श्रम मंत्री बनकर कार्य किया। सन 1946 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इस संस्था की स्थापना की। 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर बाबा साहेब पहले कानून मंत्री बने। सन 1948 में उनका दूसरा विवाह डॉक्टर सविता कबीर के साथ हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने घटना मसौदा समिति के अध्यक्ष बनकर काम किया। उन्होंने बहुत मेहनत पूर्वक भारतीय राज्य घटने का मसौदा तैयार किया और इसके कारण भारतीय राज्य घटना बनाने में बड़ा योगदान दिया। इसीलिए भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार इस शब्द में उनका सही गौरव किया जाता है। बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने एक ठोस कानून बनाकर भारत को दिया और फिर उनका लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहेब के विचारों से ही रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई। विदेश में जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले अंबेडकर पहले भारतीय थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को जगह देने का भी श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के दिन डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर महाराष्ट्र में अपने 5 लाख से भी ज्यादा साथियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध संसार के इतिहास में इसे स्वर्णाक्षर में लिखा गया। डॉक्टर अंबेडकर को डायबिटीज की बीमारी से लंबे समय तक जूझना पड़ा था। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीतिनुसार हुआ। सन 1990 में मरणोपरांत अंबेडकर को सम्मान देते हुए भारत का सबसे बड़ा नागरिकी पुरस्कार भारत रत्न जारी किया। इस कहानी का अंत में उनकी लिखी पंक्ति से करूंगा। हर एक इंसान का जीवन स्वतंत्र है। हमें समाज का विकास करने से पहले खुद का विकास करना चाहिए, क्योंकि अगर देश का हर एक व्यक्ति एक स्वयं का विकास करने लगे तो हमारा समाज अपने आप ही प्रगतिशील हो जाएगा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर। जय भीम।